BJP MP Lockheed Chatterjee has lashed out at the TMC government and leader Abhishek Banerjee calling the TMC leader a liar. Listen in. अभिषेक बनर्जी झूठ बोल रहे हैं. शेख शाहजहां को बचाने के लिए एक्सट्रीम जितना जा सकते हैं ये लोग जा रहे हैं. जैसा ममता बनर्जी भी पूरा शेख शाहजहां को पूरा छुपा के रखने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अभिषेक बनर्जी भी चाहते नहीं हैं कि शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाए. इसलिए बार बार कोर्ट के ऊपर मतलब उनका जो हुआ है कोर्ट के ऊपर बोल रहा है कि कोर्ट नहीं बोला था, कोर्ट ने रोक के रखा था. और कोर्ट बोल रहा है हम लोग तो मतलब रेडी है. तो मतलब ये पूरा साबित हो रहा है कि लोकसभा तक शेख शाहजहां अरेस्ट नहीं हो जाए और 30% का जो वोट है तो उसको ही नहीं मिले. कि ये जो ममता बनर्जी का सब लोग चाहते हैं कि ये जो वोट बैंक के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा खराब हो चुका है, फेल हो चुका है. पश्चिम बंगाल का जनता ऐसा लीडरशिप को नहीं चाहता है जो वोट बैंक के लिए लीडरशिप वोट बैंक के लिए उसको इस्तेमाल कर. All right, Renik, my colleague joining us on the broadcast. Renik, if you can take our viewers through the latest as far as West Bengal is concerned, protests continue on. There are several party MLAs that are hoping to visit Sandesh Kali, but due to the protests and the disruptions, they're not being able to visit. And now Lokit Chatterjee also coming in once again. There is a lot of war of words, Renik, it seems, that's happening. What really is the situation on the ground, though, Renik, as far as the investigation is concerned? Because it seems that politics has now taken over in West Bengal, and all we hear is what the netas have to say to each other, but we're not hearing much of what really is the actual investigation that's going on in the allegations that have come out of Sandesh Kali. Where is Sheikh Shahjahan of the TMC? देखिए, शेख शाहजहां को लेकर और ये संदेश खाली का कांड को लेकर जो पॉलिटिकल सियासत वो जारी है, क्योंकि एक तरफ जब टीएमसी के तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट ऑर्डर नहीं होने की वजह से उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे थे पुलिस, दूसरी तरफ देखा जाए कि बीजेपी की तरफ से या ऑपोजिशन जो पार्टी से उनकी तरफ से बार बार से यही बोला जा रहा था कि शेख शाहजहां को छुपाने का काम टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है. कल कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई पाबंदी नहीं है. उसके बाद से तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर शेख शाहजहां को पुलिस की तरफ से पकड़ा जाएगा. और इसी बात को लेकर पॉलिटिकल सियासत भी जारी है. ऑपोजिशन जो पार्टी बीजेपी सीपीआईएम और उसके साथ साथ ही कांग्रेस आईएसएफ की तरह जो ऑपोजिशन पार्टी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या टीएमसी को मालूम है कि शेख शाहजहां किधर है, तो कैसे वो लोग बोल रहे हैं कि 7 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाएगा. आज भी देखा गया आईएसएफ लीडर नौशाद सिद्दीकी जब संदेश खाली जाने का कोशिश कर रहे थे, उसके पहले ही 62 किलोमीटर पहले साइंस सिटी कोलकाता साइंस सिटी में कोलकाता पुलिस की तरफ से उनको रोका गया. वो जब जाने की कोशिश कर रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया. और ये घटना सिर्फ आईएसएफ नेता के नहीं, इसके पहले भी देखा गया था बीजेपी लीडर सुकांत मजुमदार जब संदेश खाली गए थे उसी जगह से उनको गिरफ्तार किया गया था. बीजेपी का जो महिला मोर्चा तब जो जा रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद जो फैक्ट फाइंडिंग टीम सेंट्रल का आया था उनको भी गिरफ्तार किया गया था संदेश खाली जाने से पहले ही. यानी पूरा संदेश खाली को लेकर एक तरफ जब पुलिस की तरफ से सब पॉलिटिक्स पार्टी को और उसके साथ फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका जा रहा है, दूसरी तरफ ये शेख शाहजहां किधर है इस बारे में भी चर्चा चल रहा है. क्योंकि शेख शाहजहां को पकड़ने का मांग सिर्फ अपोजिशन पार्टीज नहीं, संदेश खाली का जो पीड़ित महिला पीड़ित नागरिक है और बेड मजूर एरिया का जो पीड़ित नागरिक है उन लोगों की तरफ से भी किया जा रहा है. क्योंकि बार बार से वो लोग कह रहे हैं एक ही चीज, ये शेख शाहजहां जब तक फरार है, जब तक बाहर में है, तब तक उन लोग डरे हुए है. क्योंकि शेख शाहजहां सामने ना आ पाए, शेख शाहजहां के जो टीम वो टीम बार बार से उन लोगों के ऊपर प्रेशराइज किया कर रहे हैं और धमकियां भी उनको आ रहा है. और इसी वजह से वो लोग डरे हुए हैं कि अगर शेख शाहजहां नहीं पकड़ा गया तो कुछ घटना घट सकता है उनके ऊपर. क्योंकि वो लोग जो उन लोग आइडेंटिटी छिपा रहे हैं, आइडेंटिटी छिपा के वो लोग को कंप्लेंट करना पड़ रहा है. अगर कंप्लेंट हो रहा है उसी टाइम में उनका नाम भी सामने आ रहा है और इसी को लेकर वो लोग डरे हुए है. पूरा संदेश काली का ये जो मामले लेकर बार बार से ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से टीएमसी के ऊपर हावी हुआ जा रहे हैं. क्योंकि टीएमसी की तरफ से एक तरफ जब पहले भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि पूरा घटना आरएसएस का
पूरा साजिश है, और दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि संदेश खाली का जो घटना सामने आ रहा है वो पूरा मेकिंग है, एक गेम प्लान है अपोजिशन पार्टीज का। दूसरी तरफ बीजेपी या सीपीआईएम की तरह जो अपोजिशन पार्टीज है उन लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये जो शेख शाहजहां, ये शेख शाहजहां टोटल कंट्रोल करता है बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र को, और इसी वजह से लोकसभा इलेक्शन होने के नाते टीएमसी नहीं चाहते हैं शेख शाहजहां के जैसे लीडर पुलिस हिरासत में चला जाए। तो अगर शेख शाहजहां पकड़ा जाएगा तो पूरा जो एरिया है उस एरिया का जो वोट, उस वोट में इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्शन में इफेक्ट पड़ सकता है, और इसी वजह से टीएमसी शेख शाहजहां को छुपाने का या शेख शाहजहां को सेफ गार्ड करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखा जाए तो पुलिस की तरफ से शेख शाहजहां को ढूंढने का जो काम वो काम किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां के जो लास्ट मोबाइल टावर लोकेशन, वो मोबाइल टावर लोकेशन से वो लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेख शाहजहां के जो पांच जगह है, पांच घर है उनका, उस घर में भी नजरदारी रख रहे हैं पुलिस, और शेख शाहजहां के जो रिलेटेड है, जो रिलेटिव है उनके ऊपर भी नजरदारी रख रहे हैं, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है कि शेख शाहजहां किधर है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि पुलिस जो मांग कर रहे थे, पुलिस की तरफ से जो कहा गया था कि कलकत्ता हाईकोर्ट जो निर्देश दिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में, उसी मामले में जो स्टे ऑर्डर कलकत्ता हाईकोर्ट का है, इसी वजह से वो लोग शेख शाहजहां के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। और इसी बात को सामने रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो स्टे है वो सिर्फ जो एसआईटी गठित किया जा रहा था ईडी के ऊपर हमले के घटना में, वो ईडी का जो ईडी का मामले का जो जांच जो एसआईटी गठित किया जा रहा था वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से, उसमें रोक दिया गया है, उसमें स्टे ऑर्डर है। मगर शेख शाहजहां जिसके खिलाफ में 42 के ऊपर एफआईआर है, जिसमें से 40 चार्जशीट पेश किया गया है, और उसके साथ साथ ही 24 लैंड ग्रैबिंग केस है उनके ऊपर जिसका एफआईआर भी दायर हो चुका है, ये शेख शाहजहां को पकड़ने में कोई पाबंदी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से नहीं लगाया गया था, और ईडी सीबीआई और कोलकाता पुलिस ये तीनों को कल कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से पार्टी भी किया गया है, और नेक्स्ट हियरिंग डेट 4 तारीख ये नेक्स्ट हियरिंग डेट दिया गया है। नेक्स्ट हियरिंग डेट में क्या रिजल्ट आता है, क्या रिपोर्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से या वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से दिया जाता है उसमें भी नजर रहेगा। Right, absolutely. Renik, thank you so much for joining us on the broadcast with those details. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.